गाइस, इस वीडियो में मैं आपको होम क्रेडिट से यहाँ पर लोन को अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप होम क्रेडिट से लोन लेना चाहते हैं तो गाइस आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इस एप्लीकेशन को इजिली डाउनलोड कर सकते हो। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर भी है, बस आपको प्ले स्टोर पर होम क्रेडिट लिखना है। कुछ इस तरह से एप्लीकेशन शो हो जाएगी, तो आपको गाइस इस एप्लीकेशन को यहाँ पर जो है इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल जैसे ही कर लेते हो तो अभी इस एप्लीकेशन के बारे में पहले कुछ डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। गाइस 4.4 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है, 10 मिलियन से ज़्यादा लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं और यहाँ पर 4,80,000 से ज़्यादा लोग इस एप्लीकेशन में रिव्यूज दे चुके हैं। फिर भी 4.4 की रेटिंग है, इसका मतलब काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन से। अगर हम यहाँ पर अबाउट दिस ऐप पर चलेंगे तो ये एप्लीकेशन में अगर डाटा शेयर करने की बात करें तो कुछ डाटा ये शेयर करती है। बात करें डाटा कलेक्ट करने की तो डाटा यहाँ पर ये कलेक्ट भी करती है। अभी यहाँ पर अबाउट दिस ऐप पर चलेंगे और इस एप्लीकेशन के बारे में लोन अमाउंट के बारे में देखेंगे तो ये एप्लीकेशन हमें मैक्सिमम जो है गाइस 5 लाख तक का लोन अमाउंट प्रोवाइड कर सकती है। जो टेन्योर रहेगा वो 48 मंथ का बन सकता है। प्रोसेसिंग फीस 2.5% से लेकर 5% तक रहेगी। जो कन्वर्सेशन फीस लगेगी इसमें 0 रुपये से 250 रुपये तक लग सकती है। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल वगैरह प्रोवाइड कर रखा है। 50,000 का अगर लोन अमाउंट लोगे टेन्योर 12 मंथ का बनेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% का लगेगा। यहाँ पर जो है ईएमआई जो बनेगी वो 4728 रुपये मंथ रहेगी। प्रोसेसिंग फीस 1,000 रुपये काट ली जाएंगी। कन्वर्सेशन फीस 250 रुपये और जो टोटल आपको पे करना है वो 57,986 रुपये। यहाँ पर की पॉइंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अभी 600 प्लस सिटीज़ में यहाँ पर अभी ये अवेलेबल है इंडिया में। और भी अगर यहाँ पर देखें पर्सनल लोन के बारे में तो 5 लाख तक का लोन अमाउंट ले सकते हो। एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप इंडियन होने चाहिए। जो एज रिक्वायरमेंट है इसमें वो 19 ईयर से 69 ईयर के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद में आपको पैन कार्ड और वैलिड आईडी प्रूफ के लिए यहाँ पर जो है सिटीजन एड्रेस प्रूफ भी आपको देना होगा यहाँ पर। उसके बाद में आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए और आप सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को यहाँ पर ये लोन प्रोवाइड करेगी गाइस। अगर यहाँ पर देखें तो इसमें अप्लाई की प्रोसेस भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है, तो इसको भी आप देख सकते हो, आगे हम बताएंगे ही आपको। तो अभी हम डायरेक्टली यहाँ पर इस एप्लीकेशन में लोन की प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। यहाँ पर इसमें हम पहले लॉगिन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में आगे की प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन के लिए आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद में आपको सेट पिन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 4 डिजिट का एक पिन यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कंफर्म क्रिएट करना है गाइस दोबारा से सेम पिन। उसके बाद में सेट पिन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे होम क्रेडिट जो यहाँ पर जो है कुछ परमिशंस आपसे लेगा, जैसे कि फ़ोन स्टेट, SMS, लोकेशन और ऐप परमिशंस। इन परमिशंस को आपको एक्सेस देना होगा, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे। तो मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। इन परमिशंस पर मैं अलाउ पर क्लिक करूँगा। उसके बाद में यहाँ पर हमारे सामने लोडिंग लिया जा रहा है, आपको थोड़े टाइम वेट करना है। उसके बाद में गाइस लोडिंग लिया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे सामने एक ऑप्शन खुलकर आया है यहाँ पर, जो मैं आपको दिखा देता हूँ लोन ऑफर करके। तो यहाँ पर मेरे को 5 लाख तक का पर्सनल लोन अमाउंट यहाँ पर जो है मिल सकता है गाइस, अगर मेरे क्रेडिट स्कोर और मेरी क्रेडिट प्रोफाइल जो है बढ़िया रही तो मैं मैक्सिमम 5 लाख तक का लोन अमाउंट ले सकता हूँ। आपको गाइस आपके सिविल स्कोर के जरिए और आपकी क्रेडिट प्रोफाइल के जरिए लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गाइस। काफ़ी यूजर्स को ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं भी मिलता है, तो आपको गाइस कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में अदर एप्लीकेशंस का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके उन वीडियोस को प्ले करके उन एप्लीकेशंस की मदद से आप लोन ले सकते हो, अगर इससे आपको नहीं मिलता है तो यहां पर सिंपली अगर आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ चुका है तो यहां पर अप्लाई नाउ करके एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी जीमेल अकाउंट होंगी सारी ओपन हो जाएंगी, तो उसमें से किसी भी एक जीमेल अकाउंट से आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो एक जीमेल अकाउंट मैंने यहाँ पर फिलअप कर ली है। उसके बाद में आप जो है गाइस किस लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपको चूज करना है। मैं यहाँ पर कंटिन्यू इन इंग्लिश पर क्लिक करूँगा। उसके बाद में गाइस इसमें जो है आपको 5 मिनट में लोन अमाउंट मिल जाएगा, ऑनलाइन अप्रूवल हो जाएगा। बस गाइस इसमें कुछ एलिजिबिलिटी है, उसके हिसाब से हमें काम करना होगा। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, नेट बैंकिंग होनी चाहिए गाइस आपको ऑटो डेबिट सिस्टम को ऑन करने के लिए, आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और आपकी जो एज है गाइस 19 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए और जो आपकी मंथली हाउस होल्ड इनकम है वो गाइस 25,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। अभी आपको क्या करना है, नीचे स्टार्ट लोन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। तो मैं स्टार्ट लोन एप्लीकेशन पर क्लिक करूँगा, लोडिंग लिया जाएगा मेरे सामने। 4 स्टेप में हमें लोन अमाउंट मिल जाएगा। पहली स्टेप में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये 4 स्टेप्स है। तो अभी आपको सबसे पहले अपना लोन का पर्पज़ चूज़ करना है, अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है और जो आपकी मंथली हाउस होल्ड इनकम है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद में नीचे कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है।
उसके बाद में गाइस आपके सामने सेकंड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यानी कि सेकंड स्टेप। अभी सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि यहाँ पर गाइस आपको एक सेल्फी अपलोड करनी होगी सबसे पहले, उसके बाद में आपको अपने पैन कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करनी होगी, उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना होगा। दोनों ही चीजें एंटर करने के बाद में गाइस कुछ इस तरह से ऑप्शंस आ जाएगा, कुछ डिटेल्स यहाँ पर जो है आपकी एक्सेस कर लेगा आपके पैन कार्ड के जरिए से। उसके बाद में आपको कुछ डिटेल्स और प्रोवाइड करनी है, जैसे कि आपको अपनी मदर्स का नेम एंटर करना है और यहाँ पर आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है। जेंडर ऑटोमेटिक आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस भी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। नीचे एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है गाइस। यहाँ पर होम क्रेडिट एप्लीकेशंस की मदद से जब भी कोई कस्टमर्स आपको यहाँ पर जो है कस्टमर केयर कॉल करेगा तो आप उनसे किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हो उसके लिए यहाँ पर ये लैंग्वेज हमें प्रोवाइड कर रखी है। तो हिंदी इंग्लिश काफ़ी सारी लैंग्वेज प्रोवाइड कर रखी है, तो इनमें से कुछ भी आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद में कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस कुछ इस तरह से ऑप्शंस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एड्रेस को वेरिफिकेशन करना होगा, तो आप दो तरीके से कर सकते हो गाइस क्लिक। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑनलाइन KYC के जरिए आप कर सकते हो, ऑनलाइन KYC यूजिंग ड्राइविंग लाइसेंस, आप इन तरीके से यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन गाइस एक और तरीका नीचे आपको देखने को मिल रहा है कि क्लिक फोटो ऑफ एड्रेस प्रूफ। आपको एड्रेस प्रूफ की एक फोटो यहाँ पर एंटर करनी है। तो यहाँ पर फिजिकल KYC एट यूर KYC सेंटर रिक्वायर्ड, तो आप यहाँ पर फोटो पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ में हम यहाँ पर जो है गाइस आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अभी हमें यहाँ पर फ्रंट और बैक साइड दोनों ही इसकी अपलोड करनी होगी, उसके बाद में नीचे कंटिन्यू पर हमें क्लिक करना होगा। अभी यहाँ पर मैंने किया क्या है कि मेरी एप्लीकेशन को मैंने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पिन कोड है गाइस वहाँ पर इस एप्लीकेशन की सर्विस अभी अवेलेबल नहीं थी, तो मैं यहाँ पर आगे की प्रोसेस पर नहीं बढ़ पाया। इतनी प्रोसेस करने के बाद में गाइस आपका जो वहाँ पर आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा और उसके बाद में आपको जो है गाइस एक लोन ऑफर कर दिया जाएगा, जिस भी लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होगे। उसके बाद में कुछ डिटेल्स आपसे और ले जाएंगे, उनको आप फिलअप कर लीजिए और काफ़ी आसान तरीके से आप जिस भी लोन अमाउंट आपको मिलेगा उसको आप अपने बैंक अकाउंट में इजीली जो है ले पाओगे। बस आपको बैंक डिटेल और यहाँ पर जो है ऑटो डेबिट सिस्टम को ऑन करना होगा। कुछ डिटेल्स और लेंगे तो उनको आप फिलअप कर लीजिए और इजीली लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आशा करता हूँ गाइस कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहे।